नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आलोक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कट्टर हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ दी है। मोहन भागवत के मुताबिक कट्टर हिंदुत्व का मतलब कट्टर अहिंसा और उदारता, यानी आरएसएस पर कट्टरता का जो आरोप लगता रहा है, संघ प्रमुख ने एक तरह से उसका जवाब देने की कोशिश की है। अपने विरोधियों को यह तर्क दिया है कि आरएसएस की कट्टरता दरअसल उदारता के लिए ही है। जिस मौके पर यह बात कही गई है वो भी बेहद खास थी। मेरठ में आरएसएस के अब तक के सबसे बड़े समागम में मोहन भागवत ने जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू समाज की एकजुटता की वकालत की। संघ प्रमुख को इस बात का एहसास रहा होगा कि उनके बयान पर कुछ लोग आपत्ति जता सकते हैं, लिहाजा उन्होंने हिंदू समाज की एकजुटता के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व की नई परिभाषा बता दी। उन्होंने विविधता में एकता के बजाय एकता में विविधता के सिद्धांत को अपनाने की नसीहत दी। कुल मिलाकर मेरठ के सम्मेलन में जहां संघ ने हिंदू समाज को ताकत का एहसास कराने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ 2019 में बीजेपी की वापसी के लिए राह बनाने का प्रयास भी नजर आया। कड़ियों को जोड़िए तो समझना मुश्किल नहीं होगा कि वाराणसी से मिशन 2019 का आगाज हुआ। मेरठ आगरा तो एक पड़ाव है, लेकिन नजर तो बस दिल्ली पर है। तो सबसे पहले मोहन भागवत के भाषण की क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे। तो पंथ कोई भी हो, जाति कोई हो, भगवान कोई हो, भारत माता को मां मानने वाला हिंदू है। तो भारत मां को मानने वाला हिंदू है। देश के कुछ लोग हिंदू तो हैं लेकिन जानते नहीं है कि वो हिंदू हैं, उन्हें जागरूक करना होगा। वहीं हम हिंदुओं को एक होना है, प्राचीन काल से ये हमारा घर है, हमारे लिए दूसरे देश में जगह नहीं है। और देश का कुछ बिगड़ता है तो हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हम दायित्व हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे झगड़े पर सभी अपनी रोटियां सेकते हैं। हमें यह मानना होगा कि हर हिंदू मेरा सहोदर भाई है। तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करा दें। आज हम जिस मोहन भागवत के बयान को लेकर के बात करेंगे, किस नजरिए से देखा जाए और कितनी इस बयान में दूरदर्शिता नजर आ रही है। आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा दें। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं, नेता कांग्रेस। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत तिवारी जी हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है सर। और प्रोफेसर ओपी पांडे जी हैं, संघ जानकार, बहुत बहुत स्वागत है सर। और लाइव टूडे के न्यूज रूम से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल हसनैन सिद्दीकी जी हैं हमारे साथ। सिद्दीकी साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिद्दीकी साहब, जो मेरठ में आरएसएस के अब तक के सबसे बड़े समागम में मोहन भागवत ने दो जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू समाज की जो एकजुटता की वकालत की है, आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस पर? मैं सुन नहीं पाया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। सर, जो विविधता में एकता के बजाय एकता में विविधता के सिद्धांत को अपनाने की नसीहत दी है, हिंदुत्व को लेकर के बात की है, और जो कट्टरवादिता को लेकर के जो लगातार आरोप लगते रहे, अपने हिसाब से कहीं ना कहीं डिफाइन करने की कोशिश की है मोहन भागवत साहब ने मेरठ में, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? ये तो संघ की अब एक नई परिभाषा है जी। इससे पहले देखिए, वक्त के लिहाज से टाइम टू टाइम इनकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। कभी हिंदुत्व को लेके कुछ परिभाषा दूसरी होती है, कभी कुछ और होती है। अब चूंकि चुनाव करीब हैं, 8 राज्यों में इस वर्ष में 8 राज्यों में चुनाव होने हैं, 2019 सर पर है, ये भी कहा जा रहा है, ये भी संभव है कि जो जिन 8 राज्यों में चुनाव होंगे उसके साथ साथ हो सकता है कि लोकसभा का जो आम चुनाव है वो भी, उसकी भी घोषणा कर दी जाए। तो अब उसकी परिभाषा जो है इन्होंने अपने हिसाब से संशोधित कर ली है। अब देखिए, कोई भी चीज़, कोई परिभाषा को अगर आपने किसी चीज़ की परिभाषा को खुद गढ़ा है तो उसको संशोधन करने में कहीं आपको संशोधन विधेयक तो लाना नहीं है, ये तो आपकी अपनी परिभाषा। कल तक आलोक जी ये क्या परिभाषा देते थे हिंदुत्व की,
वो सबके साथ सबको पता है। आज वो क्या परिभाषा दे रहे हैं हिंदुत्व की, ये एक नई चीज आ गई है कि अब सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि देश को ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आपको मुझे जो लग रहा है, देखिए जो चीजें आज भागवत जी ने कही उससे साफ लग रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। तो अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना ही है, लोकसभा में आपका आपका बहुमत है, राज्यसभा में भी अप्रैल में आपका बहुमत हो जाएगा, आप बेशक घोषणा कीजिए, आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दीजिए, लेकिन उसके लिए आप टाइम टू टाइम अगर परिभाषाएं बदलते रहेंगे तो फिर उस पर प्रश्न चिन्ह आप पर ही लगता है, किसी और पे नहीं लगेगा। आप अभी आलोक जी कोई चीज मुझसे पूछें, उसका जवाब हम कुछ दें, उसको आप संशोधित करके कहें कि नहीं ताहिर साहब ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये है, और उसके बाद में जब आपको परिस्थितियां आपके अनुकूल न लगे तो आप उसी चीज को अपने हिसाब से डाइवर्ट कर दें और कहें नहीं साहब अब परिभाषा ताहिर साहब वो नहीं थी परिभाषा। बिल्कुल, ये चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व की जो परिभाषा है इस बार फिर कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। प्रोफेसर साहब से समझने की कोशिश करेंगे, सर ये जो नई परिभाषा है इसको जरा आप हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। सर आप जी, ये जो मेरठ में माननीय मोहन भागवत जी ने कहा इसमें कोई नई बात नहीं कही है, यह परिभाषा हजारों वर्षों से चली आ रही है। और सबसे पहले अथर्ववेद में एक पृथ्वी सूक्त है 12वें कांड में, जिसमें कहा गया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, मैं इस भारत माता का पुत्र हूं और ये मेरी माँ है। और वही बात उन्होंने भी कही है जी। और कट्टरता का आरोप भी बिल्कुल गलत है, इसलिए कि जब वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, जब वो सत्य की बात कर रहे हैं तो उसमें कट्टरता कहाँ से आ गई। उन्होंने तो वही कहा है जो इस सनातन राष्ट्र में, बहुत प्राचीन राष्ट्र में अथर्ववेद के जमाने से, अथर्ववेद ऋग्वेद से भी पहले का है जी। आज जो रिसर्चेस नहीं हो रही हैं कि अथर्ववेद की एंटीक्विटी प्राचीनता ऋग्वेद से भी, तो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ये बात कही गई है कि भूमि के साथ हमारा माँ बेटे का संबंध है जी। और जब माँ बेटे का संबंध है, दूसरी बात उन्होंने डाइवर्सिटी की बात कही है कि जो भिन्नता है वह भी अथर्ववेद में कही गई है। उसकी पंक्ति है नाना धर्माणम पृथ्वी विवाचसम, कि ये धरती है जिस पर ये भारत माता है, भारत भूमि है, जिस पर अनेक प्रकार की उपासना पद्धतियां प्रचलित हैं। पर प्रोफेसर साहब, देश तो संविधान से चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं साफ तौर पर। अब हम हिंदुस्तानी कहते हैं लेकिन इसको लेकर के अलग अलग बार बार परिभाषाएं आखिर क्यों गठित हो रही हैं? अलग परिभाषा है ही नहीं जी, वो तो वो परिभाषा दे रहे हैं जो संवैधानिक प्रक्रिया से चले ना सब सारी चीजें, इनमें से कोई भाई बात इस भूमि से हमारा एक आत्मीयता का संबंध है, माँ बेटे का संबंध है, इसमें संवैधानिक विरोध कहाँ पर है जी? और अथर्ववेद भी कह रहा है, अथर्ववेद भी कह रहा है कि इस धरती पर अनेक उपासना, नाना धर्माणम, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, और विवाचसम, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग कहते हैं। तो मोहन भागवत पर आक्षेप करने का मतलब है कि हम अथर्ववेद के ऋषियों की को अपमानित कर रहे हैं, इस देश की सनातन संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने तो उसको दोहराया मात्र है, कोई नई बात नहीं कही है उन्होंने। नहीं, अभी चलिए, उन्होंने पारंपरिक सत्य को, चलिए ये पारंपरिक सत्य हो सकता है। मैं जरा प्रदीप जी के पास आ रहा हूं। अभी तक अनेकता में एकता की बात की जा रही थी, अब ये एकता में अनेकता की बात की जा रही, ये इसको लेकर के आप किस नजरिए से देख रहे हैं प्रदीप जी? देखिए हिंदुत्व जो है, और हिंदू 1925 से सैकड़ों साल पहले से हिंदू भारत में है और सैकड़ों साल बाद तक रहेगा। हिंदुज की परिभाषा को परिभाषित किसी मोहन भागवत के द्वारा हिंदू परिभाषित नहीं किया जाता, एक बात। दूसरी बात, अगर वाकई अगर हिंदुज की को परिभाषित कर रहे हैं ये, तो ये बताएं, मोहन भागवत जी को बताना चाहिए देश को कि ये हिंदू मानते किसको हैं। अगर ये हिंदू ब्राह्मण से लेकर दलित वर्ग के सभी व्यक्ति को हिंदू मानते हैं, तो ये बताएं इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल अपर कास्ट से क्यों आता है, एक बात। अपर कास्ट में भी एक महत्वपूर्ण बिरादरी है जो नासिक, जिसकी उत्पत्ति नासिक में होती है, उसी परिवार से ही क्यों आता है,
और केवल रज्जू भैया एक अपवाद, इसके अलावा सारे लोग उसी परिवार से आते हैं। ऐसा क्यों होता, कोई दलित वर्ग का व्यक्ति इनका इनका अध्यक्ष क्यों नहीं बना अभी तक। दूसरी बात, रोहित वेमुला पे आरएसएस में आज तक मौन क्यों रही, उना कांड पे आरएसएस आज तक मौन क्यों रही। इतना ही नहीं और बताइए, एक पहली बार नहीं, जब हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भारत का जब संविधान लागू होता है तो डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोर्ट बिल लेकर आते हैं, यहाँ की महिला, यहाँ की महिलाओं और दलितों के लिए सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया हिंदुस्तान भर में किया है तो आरएसएस ने किया था। पूरे देश में ना सिर्फ आप डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूके थे, पूरा हिंदुस्तान ने विरोध किया था। ये लगातार इतना नहीं हो रहा, दलितों को लेकर के जिस तरीके से एक बात पूछ रहा है, नासिक के काला मंदिर में जब प्रवेश के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन चलाया तो पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, किसने विरोध किया, आरएसएस ने विरोध किया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए थे। आप बताइए कि सबसे पहले डॉक्टर मोहन भागवत को बताना चाहिए वो हिंदू मानते किसको है, फिर उसके बाद इनके परिवार। चलिए, हिंदू किसको मानते हैं, ये मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर को पराजित करने के लिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। उनको पराजित करने में सबसे बड़ी भूमिका, भारत की राजनीति से अपदस्थ करने की भूमिका कांग्रेस की रही है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को सदैव अपमानित किया, सदैव उन्हें उनका तिरस्कार किया और उस महामानव, उस श्रेष्ठ संविधान वेत्ता को जो मिलना चाहिए वो कांग्रेस ने कभी नहीं मिलने दिया। आरएसएस ने उनका अंबेडकर का कभी विरोध नहीं किया, आरएसएस ने कभी उनको काले झंडे नहीं दिखाए। नागपुर में उन्होंने और झूठ है प्रोफेसर पांडे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने की घोषणा करी अभी आप यहीं। हम तो प्रोफेसर पांडे, आप चलिए मैं जरा समझने की कोशिश, मैं जरा शशि जी के पास आ रहा हूँ। शशि जी आप इस कट्टरवादिता वाले बयान को किस नजरिए से देख रहे हैं, चलिए जरा मैं शशि जी के पास आता हूँ। शशि जी से जरा आप उनकी ओपनिंग लिखता हूँ। देखिए आलोक जी, इस हिंदुस्तान में हिंदू जो भारत खंडे भूभाग पे जो हिंदू आज रह रहा है, ये सिंधु घाटी से की सभ्यता के पहले से हिंदू यहाँ रह रहा है। हिंदू की जो परिभाषा है वो नई नहीं है। हमारे मैं पांडे जी, डॉक्टर पांडे से संबद्ध करते हुए उन्होंने कहा, इस बात से सहमत हूँ कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में ये सारी बातें पहले से है। उदारता के बारे में कोई नई चीज़ नहीं है, हिंदू उदार होता है और उदारता उसकी पहचान है। इसको समय समय से हमारे ऋषि मुनि परिभाषित करते हैं, आज मोहन भागवत जी उसी परंपरा को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं तो आज वो परिभाषित करते हैं, कर रहे हैं उदारता। देखिए उन्होंने बात क्या कही, आप इस पर ध्यान दीजिए कि हिंदू की कट्टरता अति उदारवादी होना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई उन्होंने गलत बात कही नहीं। नहीं, ये तो थोप रहे हैं ना, थोप कहाँ रहे हैं, थोप कहाँ रहे हैं। आप इतिहास उठा करके देखिए, हिंदू उदारवादी रहा है। आप 300 साल अंग्रेजों ने राज किया, उसके पहले मुगलों ने 600 साल राज किया। तो कट्टरता सिर्फ उदारता के लिए है क्या है? अरे भाई, वो कट्टर कौन हुआ, हिंदू तो कट्टर नहीं हुए ना, हिंदू तो उदार ही हैं। आज 1000 साल का इतिहास बता रहा है कि हिंदू 1000 साल के इतिहास भी उठा के देखिए तो भी आप पाएंगे उदार हैं। आप 5000 साल का इतिहास उठा करके राम और कृष्ण के जमाने से खोजेंगे तो भी आप पाएंगे हिंदू उदार रहा है। हिंदू ने सर्वे संतु सर्वे सुखंति संतु निरामया निरामया सर्वे भवंतु सर्वे भवंतु सुखिना, यह उनका मूल सिद्धांत है। सबके लिए वो काम करता है, सबके लिए वो विचार करता है, सबके लिए वो बात करता है, सबके लिए वो सोचता है, सबके साथ मिलकर रहता है, कभी तोड़फोड़ की बात नहीं करता है। और जहां तक रह गई बात, हमारे साथी कह रहे थे कि बेमुला के, तो बेमुला और समय समय पर कभी कभी एक नहीं, अप्रासंगिक है, बिल्कुल अप्रासंगिक है। देखिए जहां भारत माता के विरोध में नारे लग रहे हैं, अप्रासंगिक नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं क्यों अप्रासंगिक है, मैं बता रहा हूं क्यों अप्रासंगिक है। या कांग्रेस पार्टी यही करती है, कांग्रेस पार्टी कभी दलित को तोड़ने का काम करेगी, कभी अल्पसंख्यक को तोड़ने का काम करेगी। इनको अच्छा नहीं लगता कि यह दलित और पूरा देश एक साथ रहे, इनको कतई अच्छा नहीं लगे। चलिए एक एक करके, चलिए सवाल यह है कि हिंदुत्व को लेकर के जो परिभाषा बदलती जा रही है, क्या इसको चुनावी नजरिए से देखा? मैं सर आपके पास आ रहा हूँ, मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार के पास आ रहा हूँ, हसनैन साहब के पास। हसनैन साहब, मैं जरा आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जिस कट्टरता की बात की जा रही है वो शब्द कहीं ना कहीं थोड़ा हार्डकोर नहीं लगता? नहीं, ये नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं सर आपके पास आ रहा हूं। सर मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार से पूछ लेता हूं जरा, हाँ न्यूज रूम। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
जो भी चीज़ें अब हो रही हैं, ख़ास तौर से देश के अंदर, चाहे वो आरएसएस कर रही हो और चाहे वो अन्य राजनीतिक दल कर रहे हों, आज की तारीख में आप आरएसएस को किसी राजनीतिक दल से अलग नहीं गिन सकते हैं, मेरा अपना ये मानना है। वो पर्दे के पीछे ठीक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम कर रही है। संघ वाले या भारतीय जनता पार्टी वाले भले ही ये कहते रहें कि वो अराजनैतिक संगठन है और वो देश के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मोहन भागवत जी ने सिर्फ बात हिंदुओं की है, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले बाकी लोग क्या वो अलग हैं जी? सिर्फ मुझे इतना जवाब चाहिए। क्या डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हिंदुस्तान का, जो डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, क्या वो ख़त्म हो गई है? क्या डेमोक्रेसी को ख़त्म करने जा रहे हैं? क्या सेकुलरिज्म को ख़त्म करने जा रहे हैं? जिन शब्दों से इनको परहेज है, ये बताएं ना। सवाल इस बात का साथ साथ एक और उठता है कि जो भी कार्य संघ कर रही है, ठीक वही कर रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में सीधे तौर पे फायदा पहुंचे। और 2019 का आम चुनाव है, इस वर्ष 8 राज्यों में चुनाव, मैंने पहले भी कहा ये बात, मैं फिर कह रहा हूं, सारी चीजें, सारी रणनीति उनको ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। बिल्कुल सर, इसी पर हम बात करेंगे। ये आपकी जो बात निकल करके आई है, जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अगर कहें कि संघ एक रोड मैप के तौर पर काम कर रहा है, इस सवाल का जवाब मैं प्रोफेसर साहब से लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, शबत हुसैन, जो कि मुस्लिम जानकार हैं। शबत साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और हम, लेकिन इस सवाल का जवाब जरा मैं पहले ओपी पांडे सर से ले लूं, जो कि संघ के जानकार हैं। सर, मैं आपसे जानने की समझने की कोशिश करूंगा, जो लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि एक संघ जो है वो बीजेपी के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है। नहीं नहीं, अभी अभी जो हिंदू की परिभाषा की बात कही गई, मोहन भागवत जी का, मेरे पास ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है और इसके अनुसार उन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली बात यह है कि जो लोग भारत माता को अपनी माता मानते हैं, माता जैसा सम्मान देते हैं, जो भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं और जो भारत के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानते हैं, वे हिंदू हैं और इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। आखिर इस देश में जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनको हम अपना पूर्वज मानते हैं। इस देश की जो परंपरागत संस्कृति है, जो नगरों से लेकर गांवों तक, और बहुत नहीं, सवाल ये कि चुनाव के पहले ये सब चीजें क्यों सामने आ जाती है? चुनाव नहीं, नहीं, बिल्कुल चुनाव से जोड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव से जोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी का उदय और राष्ट्रीय उदय एक साथ चल रहा है। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। चलिए, मैं जरा सा अब शबद हुसैन साहब के पास आऊंगा। शबद जी, एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। शबद जी, इस मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, जिस कट्टरता शब्द का जो इस्तेमाल किया, जरा आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। सर देखिए, सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ कि पता नहीं ये कैसी हमारे मुल्क में देशभक्ति है जिसे देशभक्त कहा जा रहा है। बापू महात्मा गांधी ने इस देश को इस तरीके से सजाया था कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई बन के जो है, उन्होंने इसीलिए जो है गुलदस्ता लगाया था, जिसे कहा जाए दूसरे लफ्जों में कि एक गुलदस्ता लगाया था कि जिसमें हर तरीके से फूल थे। अब ये जो लोग मोहन भागवत जी हों या दूसरे लोग हों, ये उसको तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से जातवाद करके, तो क्या ये यही देशभक्ति है? जी, अगर इसको देशभक्ति कहेंगे तो फिर क्या बापू महात्मा गांधी को क्या कहेंगे? जी, के बापू महात्मा गांधी की नहीं मानते। दूसरी चीज ये है कि हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क रहा है। हमको जब शुरू से अभी तक ये चला आ रहा है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं, जब किसी तरीके से कट्टरता नहीं है, जब दूसरा कोई कट्टरता नहीं कर रहा है, और बार बार जो है ये संघ के नेता या बीजेपी के नेता। अच्छा शबद साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदू कहने में क्या दिक्कत है? हिंदू कहने में दिक्कत क्या थी जी? आज आप लोगों को क्या दिक्कत है आज? आज ये दिक्कत आपको आन पड़ी, इससे पहले बापू महात्मा गांधी ने ये सवाल क्यों नहीं किया था, या इससे पहले जो नेता थे उन्होंने क्यों सवाल नहीं किया, या आज ही क्यों सवाल पैदा हो रहा है? देखिए, सच बात तो ये है
कि मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा उसमें न उन्होंने मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ कहा, न गंगा जमुनी संस्कृति पर कोई प्रहार किया, और इस देश का पुराना नाम है सिंधु सरस्वती, यहाँ की सरस्वती भी नदी भी थी, सिंधु नदी भी थी, सात नदियों का आर्यावर्त था। तो यह सब नदियों से, सब पर्वतों से और सारी संस्कृतियों को मिलाकर बना हुआ देश है। और मोहन भागवत जी ने ना बापू की आलोचना की, ना गुलदस्ते की आलोचना की, ना ईसाइयों की कोई आलोचना की। मोहन भागवत जी ने वही कहा जो इतिहास का सत्य है और जो ऋषियों के लिए बापू से पहले भी यह भारत था। चलिए एक सवाल, बापू से पहले भी यह ठीक है। चलिए प्रदीप जी की बात सुनेंगे, प्रदीप जी एक एक करके सुनेंगे। मैं चाहूंगा, देखिए बहुत प्रदीप जी को एक एक करके बताएंगे। तमाम बातें जानकारी होनी चाहिए। संघ प्रमुख के बाद हम बापू भाई कुछ समझ में नहीं आएगा, दर्शक जो देख रहे हैं। प्रदीप जी, क्रिश्चियन मुस्लिम और दलितों के खिलाफ करना चाहिए, ना कि ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ। या आपके नेता बलिराम हेडगेवार का बयान है, आप क्या इससे सहमत नहीं है क्या जी? डॉक्टर अब्दुल सर के पास आऊंगा। डॉक्टर हेडगेवार स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे, उन्होंने सत्याग्रह किया। ठीक है सर, एक एक करके प्रदीप जी एक एक करके सुनेंगे। प्रदीप जी ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। चलिए मैं सर मैं आ रहा हूँ एक और वरिष्ठ पत्रकार के पास आ रहा हूँ। सर जैसा कि यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, सर मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन मुझे सबकी राय लेनी है ना। मुझे सबकी राय लेनी है। चलिए मैं अब्दुल हसन एक एक करके बोलिए। देखिए कुछ भी समझ मैं आ रहा हूँ। मैं पहले अब्दुल हसन ओपी सर ठीक है। मैं यहाँ पर आपकी यहाँ पर गलत सही का फैसला, यहाँ पर सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और एक कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है। मैं एक बार अब्दुल हसन के पास आ रहा हूँ। अब्दुल हसन सर, जैसा कि सर ने कहा कि मोहन भागवत ने कुछ ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने नदियों की बात की, जो उन्होंने इतिहास की बात की है। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक रोड मैप, एक प्लान तैयार कर रहा है 2019 के लिए आरएसएस, सवाल यह है कि आप जब वर्तमान परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करिए, आप कानून व्यवस्था की बात करिए, और आप एक बार फिर कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर के राग अलाप रहे हैं। से तो ध्यान को, जनता के ध्यान को जो है वो डाइवर्ट करना है ना भाई। अगर ये सब नहीं होगा तो जनता का ध्यान कैसे डाइवर्ट होगा? मुद्दे कुछ और हैं। अब आप आखिर अपने स्टूडियो में बुला के इस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं ना, तो लोगों, जनता का जो ध्यान डाइवर्ट होगा कैसे होगा? ऐसे ही होगा। कोई एक इनका काम ही है, कोई एक ऐसा शोषा छोड़ दीजिए जिसपे बहस चले, जनता के बीच में, समाज में बहस चले, और जब उस पर बहस चलेगी तो जो बाकी के मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या जो चार साल इनके सरकार के हो गए हैं उसमें जो काम जो इन्होंने डिलीवरी नहीं दी है वो जनता को याद ना आए, तो अब क्या है कि हमारी बहस सिर्फ इन मुद्दों पर होगी, हम वो सब भूल जाएंगे, हमको सिर्फ ये हिंदुत्व के रास्ते पे ले जाएंगे, सिर्फ हम हिंदुत्व की बात करेंगे। मुझे ये बात शशि जी को नागवार गुजर रही, शशि जी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। चलिए सर आप अपनी बात कहिए। सर देखिए आलोक जी, आज जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो भी वक्तव्य दिया है वो कहा है, पहली बात कि उन्होंने अपने परिवार के बीच कहा है, दूसरी बात कि उन्होंने पूरे भारत देश को जोड़ने की बात की है। इन लोगों को दिक्कत यह है कि भारत देश को जोड़ने की बात मोहन भागवत जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का एजेंडा, चाहे हमारे पॉलिटिकल पार्टी जो विरोधी पार्टी है, इन लोगों का एजेंडा है कि तोड़ के रखो, दलित वोट हमारा है, अल्पसंख्यक हमारा है, कहीं ऐसा ना हो कि सब पूरा देश एक हो जाए। हाँ, इनका काम है टुकड़े में बांटना, रोज बताना, रोज भाषण देना। सुनिए पूरी बात, सुनिए भाई पूरी बात सुनिए। अरे भाई बोल लेने दीजिए, शशि जी को सुनेंगे। देखिए आपको पूरा मौका दिया, सब लोग अपनी अपनी बात रखें, एक हेल्दी डिबेट चल रही है, एक अच्छा पैनल हमारे साथ है, सब लोग सुनेंगे जी। चलिए आप अपनी शशि जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो आज जो भारत देश को जोड़ने की बात, उन्होंने क्या कहा, उनके शब्दों पे ध्यान दीजिए कि भारत देश में जो भी व्यक्ति रहता है,
हिंदू के अलावा भी उन्होंने कहा कि अगर वह भारत भूमि पे, भारत माता की धरती पे रहता है, उसके पूर्वज भाई बाहर से कितने लोग आए थे, अंग्रेज आए चले गए, मुगल आए चले गए, बाबर मुट्ठी भर लोगों को लेके आया था चला गया, और भी किसका नाम लेने की जरूरत नहीं, अलाउद्दीन खिलजी मुट्ठी भर लोगों के आया लेके चला गया। जो भारत भूमि पर है इनके पूर्वज भारतीय हैं, इनके पूर्वज हिंदू हैं, इस बात को उन्होंने दर्शाया है। अरे भाई आपको आपत्ति कहाँ है, भारत माता के आप भूमि पर रहते हैं, आपके पूर्वज भी भारत माता के संतान है, आप भी उसकी संतान है, आपको परेशानी कहाँ है? आपको परेशानी इस बात की है कि कहीं पूरा हिंदू एक ना हो जाए। इनकी राजनीति जो है, जिन पार्टियों से लोग जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हमारे ये जो भी विचारधारा, तो राजनीति तो आपकी भी चमक रही है। नहीं चमक, इसमें राजनीति चमकने का बात है ये नहीं, कतई नहीं, कोई बात नहीं कही उन्होंने, कोई चुनाव की बात नहीं हो रही है। इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए, गलत जोड़ा जा रहा है चुनाव से, जोड़ा नहीं जा रहा, आप बात रखिए। कहां चुनावी भाषण उन्होंने दिए, उन्होंने अपने परिवार के, उन्होंने अपने परिवार के अंदर अपनी बात कही है। सब देखा जाता है, जब सवाल उठ जाता है ना तो सब पत्रकारों पे कहने लगते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पे, ये भी अब आपने नेता लोगों के हो गई है। जी चलिए, समय के इसमें कोई चुनाव नहीं हो रहा है। सवाल ये कि आरएसएस क्यों बना, अपने परिवार के, जी जी जी, तमाम सारे सवाल हैं कि आखिर हर सारे समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्यों बनाना चाहते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब मैं जरा शब्द सर से लूंगा। दरअसल बात ये है, हाँ, कि जैसा कि अभी मैं सुन रहा था कि अभी तक के 4.5 साल में जी क्या देश, इसी मुल्क में, चाहे वो हिंदू नौजवान हो, चाहे वो मुस्लिम नौजवान हो, चाहे वो सिख नौजवान हो, इनकी तरक्की की क्या बात हुई? 4.5 साल गुजर गए, हुकूमत जो है अब 2019 में जब ये इलेक्शन होने वाला है, ये जिस तरीके से दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? मोहन भागवत, आपने मुल्क के लिए क्या किया, मुल्क के लिए क्या क्या, मुल्क के, चलिए क्या वाकई में डाइवर्ट करने के लिए या अपने जो काम है वो नहीं किए, जनता की जवाबदेही से बचने के लिए ये बयान दिया? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो हम आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी बहस जारी, छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते, बड़ी बहस जारी है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कट्टर हिंदुत्व की जो नई परिभाषा गढ़ दी है, मोहन भागवत के मुताबिक कट्टर हिंदुत्व का मतलब कट्टर अहिंसा और उदारता, यानी आरएसएस पर कट्टरता का जो आरोप लगता है, संघ प्रमुख ने एक तरह से उसका जवाब देने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है जरा वो बयान अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। संपूर्ण दुनिया 2000 वर्षों तक अनेक प्रकार के प्रयोग करके थक चुकी, सुविधाएं तो प्राप्त हुई, सुख समाधान शांति प्राप्त नहीं हुई, दुनिया के कलह मिटे नहीं, दुनिया का दुख दूर हुआ नहीं, दुनिया में हिंसा वैसी ही चल रही है। और इसलिए विश्व सोचता है कि भारत के पास एक ऐसा रास्ता है जो सबको सबका सुख दे सकता है, शरीर मन बुद्धि के साथ साथ आत्मा का भी सुख दे सकता है। विविधता अलग नहीं होती, विविधता प्रकृति की स्वाभाविक बात है, उसमें एकता है, एकता की ही वो विविधता है। ऐसे हम हिंदू हैं, हम कट्टर होंगे तो हम अधिक विविधताओं का उत्सव करेंगे, हम विविधताओं का समन्वय अधिक अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। हम हिंदुओं को एक होना है क्योंकि इस देश का दायित्व हमारा है। हम लड़ाई कर सकते हैं इन भेदों को लेकर, ये जानने वाले हमको उकसाते हैं। हमारे झगड़ों की आग पर सारी दुनिया के लोग अपने स्वार्थों की रोटियां सेकते हैं। इसको बंद करना है तो हर हिंदू मेरा अपना सहोदर भाई है, हिंद वाह सहोदर आ सर्वे, पंथ संप्रदाय कोई भी हो, पूजा कोई भी हो, खान पान रीति रिवाज कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, देवी देवता कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो,
हिंदू मेरा अपना भाई, हिंदू मेरा अपना भाई। समागम में मोहन भागवत ने जातिवाद से ऊपर उठकर हिंदू समाज की एकजुटता की वकालत की है। शबाज साहब, तो दिक्कत कहां पर है, विरोध क्यों है? जाहिर सी बात है कि जो है कि ऐसे ही लोग जो हैं वो देश का माहौल खराब किए हुए हैं जी। हमारी मरकजी हुकूमत से जी और रियासती हुकूमत से अपील है कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों पर नकेल कसे जो गंगा जमनी तहजीब के मुल्क को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कह के। इसलिए कि आज से जो है 70 साल से बराबर जो है गंगा जमनी तहजीब के मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के रह रहे हैं। ऐसे लोग जो है अपनी रोटियां सेकने, सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपने अकाउंट भरने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर नकेल कसे, ना कि जो है पब्लिक के ऊपर नकेल कसे। चलिए, मैं अक्सर प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं आपसे समझने की, जो मोहन भागवत संदेशा देना चाह रहे हैं, जो इस एकता की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू की बात कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो आखिर अपनी बात पहुंचाने में आखिर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? संदेशा गलत क्यों जा रहा है, निगेटिव क्यों जा रहा है? हाँ, मोहन भागवत हाँ की ने जो संदेश दिया है वो मानव मात्र के लिए है। इस देश में प्रेम, इस देश की सद्भावना, इस देश के सामंजस्य के लिए है। लेकिन इस देश में जो मुस्लिम नेता हुए वो आज भी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जिनके निष्ठाएं विदेशों में है। आप ये बताइए, और लेकिन मेरठ में मुस्लिम नेताओं ने बहुत स्वागत किया इस बयान का, ये भी बता दें अपने दर्शकों को। और असदुद्दीन, मेरी सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना है कि वो असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और जो भी इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देख रहे हैं, जिनके निष्ठा विदेशों में है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते, जो इस देश को अपनी मां नहीं मानते, जो इस देश के पूर्वजों को अपने पूर्वज नहीं मानते, जो इस देश की तहजीब और तमद्दुन को अपनी तमद्दुन नहीं मानते, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पर उन लोगों की कैसे पहचान होगी? प्रदीप जी, सवाल तो ये कि संदेशा आखिर क्या जा रहा है, बड़ा सवाल तो ये। हाँ, मैं आ रहा हूँ तो विदेशों में जो है जो मुल्क का पैसा जमा है ये किन नेताओं का है? क्या मुसलमान नेताओं का है? उसमें जो है सभी नेताओं का पैसा है जी। सर, इस पर हम बात करेंगे अलग, लेकिन हम आज मोहन भागवत के बयान को लेकर के, प्रदीप जी, वो पीएनबी का हाँ, पैसा ठीक है, ठीक है, बैंकों का पैसा है जो विदेशों में जा रहा है। फिर आप उस पीएनबी को पैसे को लेकर हम ये नहीं बात करेंगे कि वो बीजेपी किसमें गलती है, कांग्रेस की गलती है या सिस्टम की गलती है। चलिए, मैं प्रदीप जी से, प्रदीप जी अपनी बात रखेंगे जी। पहली बात, जब आरएसएस ये कहती है कि हम बहुसंख्यक आबादी का नेतृत्व करते हैं, तो उसे बताना चाहिए कि आरएसएस, जब आरएसएस की अपनी वर्दी हिटलर की नाजी पार्टी की वर्दी से मिलती जुलती क्यों है? भारतीय परिधान जब उसका उदय होता तो भारतीय परिधान उसकी वर्दी क्यों नहीं होती, नंबर एक बात। दूसरी बात, इनके नेता वीर सावरकर ने साफ और स्पष्ट कहा है कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। नंबर तीन, इनके नेता गुलवरकर बंच ऑफ थाट, जिसकी थ्योरी पर आरएसएस चलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती है, ये मूर्ति पूजा की विरोधी रही है। इन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि मूर्ति पूजा कमजोर लोग करते हैं। नंबर चार, ये वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे को मानने से इनकार किया। द ऑर्गेनाइजर 27 जुलाई 1946 में द ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपता है, उसमें साफ और स्पष्ट कहा जाता है कि चूंकि तिरंगे में तीन रंग है, ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से अपशगुन होता है, इसलिए भारत के लिए तिरंगा अपशगुन साबित होगा। मैथोलॉजी की बात करते हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी है, ये वो लोग हैं जो निश्चित संविधान को नहीं मानते, उसी को नहीं मानते, उसी लिए बयान दिया। क्यों शशि जी जिस कट्टरता की बात करते हैं, लेकिन वो संदेशा देने की इसीलिए कोशिश की है उन्होंने जी। शशि जी, हाँ शशि सर आ रहा हूँ शशि जी के पास, आपके पास आ रहा हूँ जी, आपसे समझूंगा। मैं प्यार से एक बात शशि जी से कहना चाहता हूँ, बहुत आत्मीयता से, शशि जी से, अगर उनकी वेशभूषा हिटलर की वेशभूषा है तो संघ के स्वयंसेवकों की वेशभूषा भी हिटलरी है जी। अगर उनकी वेशभूषा हिटलरी नहीं है, वे वही पहने हैं जो संघ के स्वयंसेवक पहने हैं, सफेद कमीज मोहन भागवत जी पहने हैं, सफेद कमीज शशि जी पहने हैं, क्या वे हिटलर के पास से ये वेशभूषा पहनने का संदेश लेकर आए? सफेद प्रदीप जी पहने, शशि जी अपनी बात रखे जी। देखिए, यहाँ पे जो भी ये डिबेट हो रहा है, जो भी यहाँ पर चर्चा हो रही है, शुद्ध रूप से भागवत जी के उस बयान पर हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि सब हिंदू हमारे भाई हैं। क्या गलत कह दिया?
इसमें कहां असंवैधानिक है जी। अगर कोई कहता है कि अगर यही दूसरे धर्म के लोग आपस में कहते तो हमें कहां आपत्ति है, सब भाई हैं। दूसरी बात कि केवल वह अपने हिंदू भाइयों को इकट्ठा होने की बात करते हैं। हम लोग जब प्रार्थना करते थे, छोटे बच्चे थे, तो स्कूलों में प्रार्थना करते थे कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। देखिए जिस धर्म देश और धर्म की बात आदमी करता है तो उससे प्यार होता है, उससे मोह होता है और एकजुट होकर रहना चाहिए। किस लिए एकजुट होना चाहिए? देश की तरक्की के लिए एकजुट होना चाहिए, भाई भाईचारा बढ़ाने के लिए एकजुट होना चाहिए, प्यार बढ़ाने के लिए एकजुट होना चाहिए, देश में शांति और अमन के लिए एकजुट होना चाहिए। और हमारे देश में की संस्कृति और सभ्यता यही रही है। हिंदू धर्म इस बात का द्योतक है, हजारों हजारों साल से इस बात का द्योतक है कि वो प्यार से सबको गले लगाता है, सभी दूसरे धर्मों को भी प्यार से अपने साथ रखता है। ये हिंदू धर्म की उदारता है। चले, नहीं, और सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं इसी बात को भागवत जी ने कहा कि हिंदू धर्म की जितनी उदारता है, जितना उदारता करता जाता है उसी को आप कट्टरता। चलिए चलिए ठीक है, ये संदेशा लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ चलिए जी, बिल्कुल 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 चलिए। हाँ, संघ की जो हिंदू की अवधारणा है, जैसा मैंने पहले कहा कि उसका धर्म से बहुत दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है, ना उसका मूर्ति पूजा सगुण और निराकार और निर्गुण से कोई संबंध है। हिंदू की परिभाषा उनकी है कि हिंदुस्तान से जो प्यार करता है, हिंदुस्तान के पूर्वजों को अपना पूर्वज मानता है, हिंदुस्तान के प्रति जिसका माँ बेटे का संबंध है, वो हिंदू है। संघ के हिंदू की परिभाषा भौगोलिक परिभाषा, लेकिन जो जैसा कि शशि जी ने भी अपनी बात, मैं अब्दुल ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं अब्दुल हसनैन के पास आ रहा हूँ सर, ठीक है, मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आ रहा हूँ हसनैन सर के पास। जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रेयर में भी हिंदू की बात की है, लेकिन इससे ऊपर उठकर कहीं ना कहीं अगर बात करते तो शायद बेहतर होता और आज यहाँ पर डिबेट ना होती कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी क्यों सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी, लेकिन बहस हो, समाज में बहस हो, इसीलिए इतनी सोच से छोड़े जा रहे हैं। अभी जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, वैसे वैसे कोई नया इवेंट खड़ा होगा, रोजगार की बात नहीं होगी, जो डिलीवरी देनी थी, जो संकल्प में 2014 में कहा गया था उस पर बात नहीं होगी, एक रोज एक नया इवेंट खड़ा हो जाएगा, उसी पे समाज में चर्चा होगी, उसी पे टीवी चैनल्स पे चर्चा चलेगी, और जो हम लोग जो बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं वो उसी का एक प्रतिफल है। आप खुद कह रहे हैं छोड़ो कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी। कौन कहता है कि हिंदुस्तानी नहीं है? हमें भी गर्व है हिंदुस्तानी होने पर, हमें भी गर्व है ये कहने पर कि हम भारतवासी हैं, लेकिन सिर्फ एक बार एक समाज के लिए आप बात करें कि क्या ये हितकर है, क्या ये देश के लिए हितकर है? मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि ये इवेंट चुनाव से पहले किसी भी चीज़ का इवेंट बनाने का खेल कब खत्म होगा? आलोक जी, चुनाव से पहले जो मुख्य मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, ऋण माफी का मुद्दा है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बिल्कुल, ये डिबेट तब तक चालू रहेगी जब तक राष्ट्रोदय या बीजेपी उदय के लिए एक रोड मैप तैयार होता रहेगा। मैं शबद जी के पास आ रहा हूँ। शबद जी, एक हिंदू के बजाय अगर हिंदुस्तान की बात करते तो शायद कहीं नहीं बेहतर होता और शायद ये इतना विरोध भी ना होता। बस हमको चाहिए, उनको चाहिए था कि जो हिंदुस्तान की बात करते, जैसा कि आपने कहा कि जो हिंदुस्तान, कोई मुसलमान जो है हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, गर्व से कहता है, बड़े फख्र से कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे साथ भी ऐसे विदेश में भी वाकई गुजर चुके हैं कि मालूम हुआ कि जो है कि एक बस के ऊपर हम लोग जा रहे थे तो हमारे ऊपर किसी ने तंज किया, तो हमने कहा हम गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल हमें फख्र है हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन ये सब चीजें जो है जातिवाद करके, एक दूसरे के दिलों में नफरतें डाल के, ये सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस देश को जातिवाद, ये कौन जातिवाद की बात नहीं की। मैं सर प्रोफेसर सर आपके पास आ रहा हूं, आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगा। जातिवाद का दंश मिटाने का संदेश दिया था लेकिन बात कुछ और निकल करके आई। राही मासूम रजा हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, महाभारत के संवाद लिखे थे उन्होंने। राही मासूम रजा कहते थे कि मैं एक हिंदू मुसलमान हूँ, धर्म से मैं मुसलमान हूँ, पूजा प्रणाली मैं नमाज पढ़ता हूँ इसलिए मुस्लिम हूँ, मोहम्मद साहब पर यकीन करता हूँ इसलिए मुस्लिम हूँ, लेकिन इस देश से मेरा लगाव है
हिंदू इस देश की राष्ट्रीय परिभाषा है, भौगोलिक परिभाषा है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। मना कर रहा है कि राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है, जब आप हिंदुस्तान से कौन इनकार कर रहा है? आप कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, हिंदुस्तान कोई नहीं कर रहा है। हिंदू से मेरा टकराव है, हम से कोई टकराव नहीं, हिंदू से हमारा है, हमारा कोई टकराव हिंदू से नहीं है। ये आप कह रहे हैं, नहीं तो आप शब्द जी विरोध भी तो आप ही लोग कर रहे हैं। देखिए कुछ लोगों ने स्वागत किया, बड़ी बात है कि मेरठ में कुछ लोगों ने स्वागत किया मुस्लिम नेता है कि देश की तरक्की के लिए बात की जाए, ना कि जो है हिंदू मुस्लिम किया जाए। ये 4.5 साल गुजर गए हैं, देश की तरक्की के लिए क्या हुआ? आपको हमारे नौजवानों के लिए क्या हुआ? किसानों के लिए हुकूमत ने क्या किया कि जो है आज जो जो बेचारे भूखे और प्यासे मर रहे हैं उनके लिए क्या किया? हम अगर देश से मोहब्बत है तो देश को तरक्की की तरफ ले जाए ना। तो यह बात अपनी डिबेट करते रहे, अपने भाषण देते रहे, कुछ हो जाए मरता रहे। यह बात आप उस कांग्रेस पार्टी से पूछिए जिसने इस देश में 48 वर्ष तक हुकूमत की है। अरे किसने क्या किया? आपको जिस आप विकास के नरेंद्र मोदी के तो कुल 48 विकास हुआ है, आज 48 साल का हुकूमत करने वाले लोग हैं। शबन जी यहाँ पर बहुत बड़ी बात, एक मिनट शबन जी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके अपने समाज में देखिए ट्रिपल तलाक को लेकर के महिलाएं कितनी खुश है, जो इतने सालों से दर्द झेल रही थी तलाक का, आप लोगों ने क्या किया उसके लिए? देखिए आप लोगों को नागवार गुजरता है यहाँ पर। पहले ये बता दूं कि ट्रिपल तलाक हमारे मसलक में वो जायज नहीं है जी। इस तरीके से बहुत आप लोग उसके पीछे शरीयत का हवाला दे देते हैं, सब चीजें अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। जिनके जरा उन मुस्लिम महिलाओं के दिल से पूछिए जाकर के कितना खुश थी। ट्रिपल तलाक जिनके यहाँ है वो ये पुरुषवादी मानसिकता से बाहर निकल आइए शबद साहब, पुरुषवादी मानसिकता कब तक चलेगी? ठीक है तब दूसरे के घर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शशि जी आप अपनी बात रखिए, शशि जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। शशि जी चलिए एक एक करके ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। शशि जी आप अपनी बात रखिए जी। देखिए अभी शबद भाई जो प्रश्न उठा रहे हैं वह निश्चित रूप से मोहन भागवत जी से ताल्लुक नहीं रखता, वह हमारे सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता है। भारतीय जनता पार्टी सियासी पार्टी है और वो इस समय सरकार में है। यह तरक्की की बात आप सरकार के लोगों से कर सकते हैं, लेकिन मोहन भागवत जी का बयान प्यार और संदेश वाला प्यार है, भाईचारा वाला संदेश है, उसमें सवाल उठा करके उसको कमतर ना आका जाए। उस पर अगर हमारे सारे लोग, सारे सियासी पार्टी, सारे हमारे सबद भाई सबको ये कहना चाहिए कि एक नई दिशा, एक अच्छा रास्ता दे रहे हैं जिसमें भाईचारा और प्यार बढ़ा रहे हैं देश में, इस पर अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। मैं आपको हम आपको भी गले लगाने, शशि जी की पूरी बात सुन लेंगे जरा। हाँ पहले अच्छी, हम आपको भी गले लगाने को तैयार हैं, हम आपको भी गले लगाएंगे, सबको गले लगाते हैं, हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। भगवत साहब जो है अगर आ जाएं इस देश की तरक्की के लिए तो उनको भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसी बातें हो रही है। चलिए मैं एक बार हंसना है कि हमारे पूर्वज एक हैं, हम भारत माता की संतान हैं, हम सब मिलकर रहेंगे। उन्होंने सिर्फ कहा कि हिंदू हमारे भाई हैं, हमें सब एकजुट रहना। देखिए हसनैन साहब बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, मैं हसनैन साहब के पास आ रहा हूँ, बस मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। हसनैन साहब जी, जो मुझे लगता है सर सारा का सारा जो विरोध है, उन्होंने प्रेम की भी बात की है, भाईचारे की भी बात की है, एकता की बात की है, लेकिन जो कट्टरता जो शब्द है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा हार्डकोर हो गया है, इसी वजह से सारी दिक्कतें आ रही है, नहीं लगता हसनैन साहब? यही तो बात है, पूरे अगर हिंदुस्तान की बात कर लिए होते, सारे हिंदुस्तानियों की बात कर लिए होते तो शायद ये बवाल ही ना खड़ा होता, आपने सबको इस डिबेट में ना बुलाया होता। अब कुछ शोशा छोड़ दिया गया इसीलिए डिबेट हो रही है। तो सवाल इस बात का, देखिए तिवारी जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको भी परहेज नहीं है पूरे हिंदुस्तानियों से बात करने की। पता नहीं भागवत जी को क्यों परहेज है पूरे हिंदुस्तान की बात करने की, सारे हिंदुस्तानियों को लेकर। भागवत जी को कहाँ परेशानी है? तो अब सवाल सारी जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो जानकार आदमी, विद्वान आदमी हैं, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज ना होइए, क्योंकि जो अगर कट्टरता की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नकारात्मकता आती है सबसे पहले। देखिए हसनैन भाई, मैं आपकी बात पूरी करता हूँ, देखिए पूरी मैं करता हूँ। देखिए दिक्कत कहाँ है कि ना तो मोहन भागवत जी किसी से नफरत की बात कर रहे हैं, वो प्यार की बात कर रहे हैं,
ना तो भारतीय जनता पार्टी किसी से नफरत की बात करती है, वो भी सबसे प्यार की बात करती है, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं दूसरी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये डराती हैं हमारे दूसरे धर्म के लोगों को, ये डराने का काम करती हैं। ये बता हमारे दलितों का डराने का काम करते हैं, ये बताते हैं कि ये लोग कट्टर हैं, ये बताने का काम इनका है। इन्होंने पूरे देश को, लोगों को बता रखा है कि हमारे और ये संघ के, चाहे इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम कट्टरवादिता का। चलिए वो दलितों को डराती है, आप लोग तो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, काम प्यार का काम है, हाँ, आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं। चलिए प्रदीप जी डराते हैं, प्रदीप जी चलिए, नहीं नहीं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, देशवासियों को निकलना पड़ेगा। चलिए पिछले दिनों जो घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं चाहे वो गुजरात के ऊना को लेकर के, चाहे वो महाराष्ट्र को लेकर के, चाहे वो सहारनपुर का, इन सब घटनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं दलितों पर डोरे डाल रही है। जी प्रदीप जी, देखिए अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने एकदम साफ और स्पष्ट बात कही कि कांग्रेस पार्टी दलितों को डराती है कि आरएसएस कट्टर है, इसलिए तुम डरो। इसका मतलब इन्होंने तय कर दिया कि हिंदू आरएसएस ये इतने कट्टर है कि दलितों को हिंदू नहीं मानते। ये बात इन्होंने स्पष्ट कर, ये इन्होंने स्पष्ट कर, ये स्पष्ट किया आपने, आपने स्पष्ट किया, आपने स्पष्ट कर दिया। अभी आपने कहा 70 साल से दूसरी बात, यही बता रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आपका आरएसएस का राष्ट्रीय प्रमुख अगर दलित वर्ग से आ जाए, हमें हमें लगेगा निश्चित तौर पर आप दलित उत्थान की बात कर रहे हैं। अगर आपका राष्ट्रीय प्रमुख कोई महिला हो जाती तो मुझे लगता आप महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। हमें लगता निश्चित तौर पर लगता है जब आपने वाकई आप सबके सहमति के साथ सबको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हमें देखिए जो आज भागवत जी ने कहा, डॉक्टर मनोज, देखिए प्रोफेसर साहब आप कहिए क्या, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बहुत आप गुस्से में रहते हैं। चलिए नहीं नहीं, देखिए मैं तो उनसे बहुत सारे, देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, चलिए नहीं नहीं जी, मोहन भागवत जी ने जो बात कही, मैंने पहले ही डिबेट के एकदम स्टार्ट में मैंने ये बात कही थी, ये बात इन्होंने जो कही है वो ऐसा नहीं है। 1925 से पहले भी हिंदुज्म था, और इन्होंने जो अभी डॉक्टर पांडे ने जो हिंदुत्व की परिभाषा परिभाषित की है आप उसको देखिए, उन्होंने साफ कहा है कि इनका हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है, ये उस हिंदू मेथोडोलॉजी से सहमत नहीं, ये हिंदुत्व को जो तरह परिभाषित उन्होंने किया, इन्होंने कहा है इन्होंने वीर सावरकर को परिभाषित कर दिया है, जो वीर सावरकर जो मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं वो उसको परिभाषा को उन्होंने आगे बढ़ाया है। चलिए एक फाइनल कमेंट में ओपी सिंह साहब से, सर सर मैं बस जल्दी से, सर ये संघ, एक मिनट जी, संघ किसी पूजा पद्धति की ना आलोचना करता है ना उसको मानने का आग्रह करता है, सभी लोग अपने अपने विश्वास और आस्था के अनुसार पूजा पद्धति उपासना पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं। हिंदुत्व जो है एक राष्ट्रीय पहचान है, एक नेशनल आइडेंटिटी है, एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, इस देश के प्रति जो श्रद्धा रखता है, इस देश के पूर्वजों को जो अपना मानता है, इस देश की भारत माता को जो अपनी मां की तरह से प्यार करता है, वो हिंदू है। संघ की दृष्टि में संघ हिंदू को राजनीति के चश्मे से नहीं देखता। मोहन भागवत जी का राजनीति से बहुत निकट का संबंध नहीं है, उन्होंने उनको न प्रधानमंत्री बनना है न उनको राष्ट्रपति बनना है, यह तो इस देश के, लेकिन उनका काम बनवाना है उनको, नहीं बनवाना भी नहीं है। देखिए राजनीति जीवन के मर्यादा, राजनीति सब कुछ हो रही, लेकिन आप लोग मानने के लिए भी नहीं तैयार है। चलिए हाँ ठीक है, मैं शब्द साहब से एक फाइनल कमेंट जानना चाहूंगा कि मंशा नहीं है लेकिन इच्छा कुछ और है। जी इसे कहा जाए कि जाहिरन जो है वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं अपने मुंह से, लेकिन जो है बातिनन जो है, जो अपना असली मकसद है वो यही है कि देश को टुकड़े टुकड़े कर देना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वो करके जो है, और यानी कि रोटी जो है वो सेकते रहना। आज एक सवाल है, आज ये सवाल है, क्या मिसाल के तौर पर जो देखिए ये डिबेट से हट के बात है कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो निशान है, हमारा जो झंडा है देश का, मुल्क का, तो 26 जनवरी में और जो है 15 अगस्त को जो है वो फहराया जाता है, इन लोगों ने कितना फहराया आज तक के? आप ये सवाल ये कि कितना फहराया जी, नहीं चलिए सवाल ये कि यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस की बात हो रही है, अब्दुल देखिए झंडा फहराने के बाद फिर वो जम्मू कश्मीर में भी बात आ जाएगी, फिर मैं उससे डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी। हसनैन साहब एक फाइनल कमेंट में आपसे जानना चाहूंगा, कुल मिलाकर के जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस के बीच जो कहीं ना कहीं आरोप लगते रहे हैं,
कि जो रिमोट है बीजेपी को चलाने के लिए वो आरएसएस के हाथ में रहता है, ये चीज आज फिर कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ये तो ये देखिए ये सबको पता है, ये ओपी पांडे जी को भी पता है, ये तिवारी जी को भी पता है, ये प्रदीप जी को भी पता है, ये सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि रिमोट जो है वो आरएसएस के जो प्रमुख होते हैं उनके हाथ में है। इस वक्त उनके हाथ में पूरा रिमोट है, पूरा देश चला रहे हैं और वो मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आके राजनीति करें या ना करें वो एक दूसरा पहलू है। ठीक वैसे ही जैसे ये लोग कहते थे उस वक्त जब ये विपक्ष में थे कि रिमोट जो है सोनिया गांधी के हाथ में है, सरकार मनमोहन सिंह की चल रही है, उनको पपेट थे। तो यहाँ भी हाल कमोबेश वैसा ही है। सारी राजनीतिक पार्टियों का हाल अगर आप देखेंगे तो कमोबेश वैसा ही है, कोई थोड़ा है, कोई ज़्यादा है। यहाँ अब संघ फ्रंट फुट पे खुल कर खेल रही है और वो इसलिए खेल रही है कि अब उसके ही देखिए उसके ही हाथ में एजेंडा है, वही 2019 के चुनाव को जिताने का काम करेगी, उसी के कैडर को भारतीय जनता पार्टी अब तक यूज करता रहा है और आने वाले चुनाव में भी उसका पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई और दूसरा दल नहीं करने जा रहा उसको। तो ये बात तो पांडे जी की या तिवारी जी की या किसी की भी गलत है कि भारतीय जो संघ है वो अराजनीतिक है, उससे कोई मतलब नहीं सरकार चलाने से, कतई नहीं। उसी का जो कैडर है वही इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसा नहीं है कि उस कैडर ने कभी किसी और दल के लिए वोट करने के लिए जो उसको बदला, ऐसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का ही कैडर है और उसको भारतीय जनता पार्टी संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के रूप में उसको इस्तेमाल और उसको खूब बीजेपी कहीं ना कहीं भी कैश भी करा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। चलिए जल्दी व्यक्तिगत राय हो सकती है, चलिए यहाँ पर सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, इसीलिए मैंने ये एक चर्चा की, सबने अपनी अपनी बात रखी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बड़ी बहस में अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर कड़ियों को जोड़िए तो समझना मुश्किल नहीं होगा कि वाराणसी से मिशन 2019 का आगाज हुआ, मेरठ आगरा तो एक पड़ाव है लेकिन नजर तो बस दिल्ली पर है। बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए लाइव टुडे के साथ, लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।